बहराइच में दिव्यांग जनों की स्थिति को सुधारने के लिए सरकार हर तरीके से कोशिश कर रही है ताकि किसी भी सरकारी सुविधा से दिव्यांग वंचित न रह सके। दिव्यांगों को बैटरी चालित ट्राई साइकिल तथा पेंशन भी सरकार मुहैया करवाती है। वहीं दूसरी तरफ पंडित पुरवा खुटेहना प्रयागपुर के रहने वाले शंभू यादव पुत्र मुकुल यादव आज भी सरकारी सुविधाओं से वंचित हैं। मालूम हो कि शंभू यादव पंडित पुरवा खुटेहना प्रयागपुर के रहने वाले हैं। आर्थिक सुविधा से निर्धन होने के कारण बहुत वर्षों पहले मुंबई कमाने के लिए गए हुए थे। सब कुछ सही चल रहा था लेकिन अचानक हुए एक्सीडेंट से इनकी कमर और पैर टूट जाने से यह लाचार हो गए। इनकी स्थिति जब किसी अच्छे व्यक्ति ने देखी तो उन्हें सहायता स्वरूप ट्राई हस्त चालित साइकिल दे दी, मगर कमर और पैर से लाचार होने के कारण बहुत परेशान हो गए हैं। एक एक रुपए के लिए तरस रहे हैं। इन्हें जो दिव्यांग पेंशन भी मिल रही थी वह भी 3 महीने से बंद है, जिस कारण से यह अपनी जीविका चलाने में असमर्थ है। पूछने पर बताया कि जिला का चक्कर लगाते लगाते लगभग 3 महीने हो गए, ना तो बैटरी चालित ट्राई साइकिल मिली और ना ही पेंशन मिली। क्या नाम है आपका? शंभू यादव। कौन से गांव के रहने वाले हैं? कुटेहना पंडित पुरवा। अच्छा। पंडित पुरवा। समस्या क्या है? समस्या यही सब टूटा है सब। तो आप पेट का ऑपरेशन हो गया है, बम्बई में हुआ था। तो ये साइकिल आपको कहाँ मिली थी? ये बम्बई में मिला था, तब से आदमी ने दान में दिया था मेरा को बाबू। ये सरकार से कुछ नहीं मिला है। कितने मतलब कितने साल से चक्कर लगा रहे हैं जिले का कि बैटरी वाला विकलांग साइकिल मिल जाए? 3 महीना से चक्कर लगा रहा हूँ, वो बता रहा है साइड बंद है ऑनलाइन वाला। तो मेरा को कुछ पता नहीं है कि जब से मिलेगा क्या होगा। अच्छा अच्छा, आपके पास में वो विकलांग का आईडी है, ये वाला है ना? सब कुछ है बाबू।